हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज़ जिया ट्यूटोरियल। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं और इससे पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, इसकी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं जिसमें मैंने सारे ही क्वेश्चंस को, हर एक क्वेश्चंस को जो बीच में जितने भी क्वेश्चंस हैं चैप्टर के अंदर, उसको मैंने सॉल्व किया है और अच्छे से समझाने की कोशिश की है। और वन शॉर्ट वीडियो भी बनाई है मैंने कंप्लीट चैप्टर के ऊपर। उस एक वीडियो के अंदर मैंने पूरा कंप्लीट चैप्टर, हर एक टर्म्स, डेफिनेशंस विद ग्राफ्स, उसको समझाने की और बताने की कोशिश की है। तो उम्मीद है वो वीडियो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी। इस वीडियो में जो हम बात करनी है वो है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज से, पेज नंबर 112 है। और इसमें दिया गया है कि एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायामीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स। वट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। एक एथलीट है, एक राउंड उस सर्कुलर ट्रैक का जिसका डायामीटर 200 मीटर है, वो 40 सेकेंड में, यानी 40 सेकेंड में एक कंप्लीट राउंड वो कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो हमें बताना है ऐसा करने में, यानी 2 मिनट 20 सेकेंड के अंदर वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे मैं बता देता हूँ। डिस्टेंस जो है वो टोटल पाथ लेंथ होता है जो कवर्ड होता है किसी भी बॉडी के ज़रिए से। ठीक है, और ये है स्केलर क्वांटिटी, जो कि डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, और जब कुछ ऑब्जेक्ट चल जाता है, कुछ पाथ ट्रेवल कर लेता है, तो ये कुछ ना कुछ होता ही है। ठीक है, चाहे वो उसका सेम पोजिशन पर वापस आ जाए या फिर कहीं और चला जाए। ठीक है, मगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी जो कि डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड पर दोनों ही कंटेन करती है। और ये अगर मैं कहूँ डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। कहने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए 2 मिनट 20 सेकेंड में अगर वो एथलीट मान लीजिए 3 चक्कर कंप्लीट करता है, 3 राउंड कंप्लीट करता है, तो तीनों चक्कर में क्या होगा, इन 3 राउंड्स इनिशियल और फाइनल पोजीशन उसकी सेम होने वाली है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है वो सेम हो जाएगी, और जब सेम हो जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जब पॉइंट ही एक हो चुके हैं, कोइंसाइड कर चुके हैं, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। ठीक है, अब वही देखना है कि हमें पहले क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ राउंड्स पता करने पड़ेंगे। ठीक है, 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स में कितना लगाएगा वो, कितने कंप्लीट करेगा राउंड्स, कितने हो जाएंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे तभी हम बता पाएंगे कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा और कितना वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ राउंड पता करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी टोटल टाइम है उसको एक राउंड कितने सेकेंड में वो कंप्लीट करता है उसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ राउंड्स जो होंगे वो टोटल टाइम जो भी है एंड टाइम जो लगता है इन 1 राउंड। ठीक है, टोटल टाइम हमें दिया हुआ है 2 मिनट्स 20 सेकेंड, और एक राउंड में जो वो कंप्लीट करता है वो है 40 सेकेंड में, एक राउंड कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अभी तो हम इसको सॉल्व कर नहीं सकते क्योंकि मिनट और सेकंड जो है आपस में एक नहीं है, तो हमें पूरी क्वांटिटी जो है सेम करनी पड़ेगी, या तो सेकंड में हो या फिर मिनट में हो। तो मैं सेकंड में कर लेता हूँ। तो 2 मिनट हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई करूँगा प्लस 20 सेकंड एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि हम जिसको कन्वर्ट करते हैं सिर्फ इसी को चेंज करने की कोशिश करते हैं, बाकी जिसमें कर रहे होते हैं, अब ये ऑलरेडी 20 सेकंड सेकंड में है और सेकंड में ही कर रहे हैं, तो उसको एज इट इज़ रखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 6 120 120 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 140 डिवाइड बाई 40, और सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये रिड्यूस होकर आ जाएगा 7 2 3.5। ठीक है, यानी नंबर ऑफ राउंड्स जो वो 2 मिनट 20 सेकंड में लगाएगा, टोटल नंबर ऑफ राउंड कितने निकल के आ रहे हैं, 3.5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि एक राउंड डिस्टेंस के लिए क्या है, टोटल जितने भी लगाया है। ठीक है, अब वो डिस्टेंस कैसे सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ का पेरीमीटर भी तो होगा, और पेरीमीटर क्या होता है, सर्कमफेरेंस हम बात करते हैं, तो
एक राउंड किसके बराबर होगा, वो सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। तो 3.5 राउंड किसके बराबर होंगे, हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल डिस्टेंस तो इस तरीके से आ जाएगा। तो वही कर लेता हूँ मैं, पता इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एंड अब मैं मैग्नीट्यूड पता करता हूँ डिस्टेंस का, ठीक है। टोटल डिस्टेंस इक्वल टू जो भी नंबर ऑफ राउंड्स हैं, नंबर ऑफ राउंड्स, ठीक है, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, उसके सरकमफ्रेंस से, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ है, सरकमफ्रेंस। और हमें पता है नंबर ऑफ राउंड 3.5 आ चुका है, और सरकमफ्रेंस जो होता है वो होता है 2πr के बराबर, ठीक है। और यहाँ हमें रेडियस दिया हुआ था, सॉरी डायमीटर जो है सर्कुलर ट्रैक का वो है 200 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, आधा यानी 100 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से मैं सारी वैल्यू पुट करता हूँ, 2 × π की वैल्यू लेता हूँ, 22/7 × r, हमें 100 पता है, ठीक है। अब हमें पता है यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे ज़ीरो जाने वाला है, एंड 7 × 5 होता है 35, एंड ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें पता चल जाएगा 10 × 20 220, ठीक है, यानी 5 × 2 = 10 एंड 22 × 10 तो यह आएगा 220 मीटर, ठीक है। तो ये हमें क्या पता चल गया, मैग्नीट्यूड पता चल गया, टोटल डिस्टेंस जो भी है, ठीक है, क्या ये सही है, 5 × 2 = 10, और अगेन यहाँ 10 में भूल गया था, ठीक है, ये वाला 10 जो है × 10, तो ये 2200 मीटर, ये असल में आ गया हमारा डिस्टेंस। अब हमें पता करना है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। तो मैं बता दूं, टोटल राउंड जो है वह है 3.5, इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए ये पॉइंट है ए, अब वो जो एथलीट है 3 राउंड के अंदर वो कंप्लीट 3 राउंड करे, 1 राउंड इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, अगेन अगले तीनों राउंड में इनिशियल और फाइनल पोजीशन उसकी यही होने वाली है, सेम होने वाली है, इसका मतलब 3 राउंड्स के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो ज़ीरो होगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होने की वजह से। अब बचेगा रिमेनिंग हाफ राउंड, तो रिमेनिंग हाफ राउंड का मतलब क्या है, वो आधा चक्कर लगाएगा यानी ए से बी जाएगा, और ये मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, इसके डायमीटर के बराबर होगा। तो हम सिंपली क्या कहेंगे, इस बात को मैं लिख लेता हूँ, और ये तो आपने बैक जाके भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताऊँगा मैं, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट इन 3 राउंड्स विल बी 0 ड्यू टू द सेम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। एंड जो बचा हाफ राउंड, एंड इन द रिमेनिंग हाफ राउंड डिस्प्लेसमेंट विल बी, जैसा कि मैंने बताया यहां से अगर वो गया है तो हाफ राउंड कैसे लगाएगा, यहीं तक तो जाएगा, और ये हमें पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल इनिशियल से फाइनल यानी शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और ये किसके बराबर हो रहा है, सर्किल के डायमीटर के बराबर हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आधे राउंड के अंदर, डायमीटर के बराबर, विल बी इक्वल टू द डायमीटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 200 मीटर जो कि डायमीटर दिया होता। तो ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट 3.5 राउंड के अंदर, क्योंकि 3 राउंड के अंदर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होने की वजह से वो ज़ीरो हो गया था। बचा हाफ राउंड, उसमें वो डायमीटर के बराबर हो जाएगा, और डिस्टेंस हमने 2200 मीटर निकाली थी, और कैसे निकाली थी वो आपको दिखा दिया मैंने, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट, और अगर ये सवाल समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शो योर लव टुवर्ड्स मी। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस वीडियो को देखने के लिए।